हेलो एवरीवन, मैं रूपाली आनंद आदिश किचन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। आज हम आदिश किचन में बनाएंगे टेस्टी और मसालेदार दम आलू। घर पे मिलने वाले मसाले का ही इस्तेमाल करके ये ढाबा स्टाइल दम आलू हम बना लेते हैं, तो रेसिपी देख लेते हैं। हमने दम आलू बनाने के लिए ये 500 ग्राम छोटे छोटे आलू लिए हैं। इस आलू की टेस्ट दम आलू में बहुत बढ़िया लगती है। अगर आपके पास ये छोटे आलू ना हो तो आप बड़े आलू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारे आलू हम अच्छे से धोकर कुकर में ऐड कर देंगे। इसी के साथ हम इसमें पानी ऐड कर देंगे और पानी ऐड कर ढक्कन लगा लेंगे और इसे 2 से 3 सीटी आने तक पका लेंगे। तब तक हम सब्जी के लिए लगने वाले मसाले देख लेते हैं। हमने 2 बड़े प्याज लिए हैं, 4 बड़े टमाटर लिए हैं, 10 से 12 कैश्यू लिए हैं और बाकी सारे मसाले लिए हैं, जिंजर गार्लिक और फ्रेश दही भी यहाँ पे निकाल लिया है। कुकर की 3 सीटियाँ हो गई है और हमने ढक्कन खोल लिया है। अब हम इस आलू को छील लेते हैं। आलू अभी भी गर्म है। सभी आलू को हम अच्छे से छील लेंगे। आलू इसी तरह से अच्छे से पके होने चाहिए, लेकिन फूटना भी नहीं चाहिए पकते वक्त, तो इसका ध्यान रखिए। और प्रॉपर आप अपने कुकर की सीटी में कितनी सीटी में आपके आलू पककर रेडी हो जाते हैं उस हिसाब से पका लीजिए। हम एक कढ़ाई लेंगे, उसमें ऑयल ऐड कर देंगे। थोड़ा ज़्यादा ऑयल ऐड करेंगे ताकि इसकी बॉटम पूरी तरह से ढक जाए। और इसमें हम एक एक करके सारे आलू ऐड कर देंगे। सारे आलू होने के बाद हम इसकी फ्लेम थोड़ी सी बढ़ा देंगे और इसे दोनों साइड से अच्छे से भून लेंगे। आलू भुनने में वक्त लगता है, तब तक हम मसाला ग्राइंड कर लेते हैं। हमने एक मिक्सी जार में 4 रफली चॉप टोमेटो ऐड किए हैं। इसी के साथ हम अदरक ऐड कर देंगे, लहसुन ऐड कर देंगे, 2 हरी मिर्च हाथ से काट कर इसमें ऐड कर देंगे, 1 टीस्पून जीरा हम इसमें ऐड करेंगे और 10 से 12 कैश्यू भी हम इसमें ऐड कर देंगे। मसाले तो निकाल लिए, अब हम एक बार आलू चेक कर लेते हैं। आलू हम टर्न कर लेंगे, सारे आलू को एक एक करके हम टर्न करेंगे। तो मैंने काटा चम्मच लिया है और इससे मैं आलू को टर्न कर रही हूँ। देखिए नीचे से आलू अच्छे से पककर रेडी है और कलर भी इसका चेंज हो गया है, पिंकिश कलर भी आ गया है, तो कई कई पर पैचेस आ गए हैं। मसाला ग्राइंड करके रेडी है और तब तक अपने आलू भी फ्राई होकर रेडी है। हम निकाल लेते हैं सारे आलू और 1/4 कप हम ऑयल सिर्फ रहने देंगे और इसमें हम अभी ऐड करेंगे राई। राई फूटने देंगे और इसमें अभी ऐड करेंगे तेजपान और अपने पसंद के अनुसार कुछ खड़े मसाले इसमें ऐड कर देंगे, या ये स्टेप आप स्किप भी कर सकते हैं। ये मसाले 1 मिनट के लिए हम इसमें भुनने देते हैं। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे, हमने जो 2 बड़े प्याज लिए थे इसे हमने बारीक चॉपिंग करके लिया है, तो हम इसमें ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से भून लेंगे। प्याज जब तक ट्रांसपेरेंट कलर पे ना आ जाए तब तक हम इसे अच्छे से भून लेंगे। इसके बाद एक एक कर हम इसमें मसाले ऐड करते जाएंगे। हमने 1/2 टीस्पून इसमें हल्दी ऐड की है, 2 टीस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर का इस्तेमाल इसमें करेंगे और इसी के साथ हम 2 टीस्पून धनिया पाउडर इसमें ऐड करेंगे, घर का बना धनिया पाउडर है, और 1/2 टीस्पून हम किचन किंग मसाला इसमें ऐड करेंगे। टेस्ट के अनुसार नमक भी इसी में हम ऐड कर देंगे और मसाले को हम अच्छे से अभी भून लेंगे। जब हम ऑयल पर मसाला भूनते हैं तो इसके स्वाद भी बढ़ जाता है और कलर भी बहुत खुलकर आता है। मसाले भूनने पर इसकी महक भी बहुत बढ़िया आती है। अब हम ऐड करेंगे जो हमने ग्रेवी बना ली है, वो ग्रेवी इसमें ऐड कर देंगे और ग्रेवी को हम अच्छे से अभी पकने देंगे। जब तक इसका पूरा ऑयल ना छूट जाए तब तक हमें अच्छे से पकने देना है। तो अब हम इसे ढककर पकने देते हैं। 5 से 7 मिनट के लिए इसे ढककर ही रख देंगे। खोलकर देखते हैं, देखिए ऑयल छूटना चालू हो गया है। अभी भी हम थोड़ी देर के लिए इसे और ढककर रख देंगे ताकि अच्छे से पक जाए। ग्रेवी अच्छे से पकने पर बहुत स्वादिष्ट लगती है। देखिए इसकी रंगत देखिए और स्वाद देखिए। अगर आपको मेरी रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ग्रेवी अच्छे से पककर रेडी है। इसमें हम ऐड करेंगे फ्रेश घर का लगा दही, गाढ़ा दही चाहिए या तो आप क्रीम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने 1/2 कप दही का इसमें इस्तेमाल किया है और अब हम अच्छे से इसे मिक्स कर थोड़ी देर के लिए पकने देंगे। दही और मसाला अच्छे से पक रहा है,
हम ढक्कन खोल के देखते हैं। देखिए कितने अच्छे से इसका ऑयल छूट रहा है और रंगत भी बहुत अच्छी आई है। इस स्टेज पर हमने जो आलू फ्राई करके रखे थे वो इसमें ऐड कर देंगे और इसे और ढककर रख देंगे। 5 से 7 मिनट के लिए ढककर रखे थे। देखिए कितना सुंदर दिख रहा है और कितने टेस्टी लग रहे हैं। इस स्टेज पर हम इसमें गर्म पानी का इस्तेमाल करेंगे। हमेशा गर्म पानी का ही इस्तेमाल कीजिए ताकि इसके कुकिंग प्रोसेस स्टॉप नहीं होती है और इसकी टेस्ट बढ़िया ही रहती है। और इसे हम अभी 10 से 15 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पर पकने देते हैं ताकि अपने आलू एकदम से अच्छे से पक जाए और सॉफ्ट हो जाए। आप पूरी या पराठों के साथ दम आलू की सब्ज़ी एंजॉय कर सकते हैं। इसी में हम ऐड करेंगे कसूरी मेथी। आप मेरी रेसिपी आखिरी तक देखिए ताकि आपको पूरी रेसिपी पता चले। और इसी में थोड़ा सा किचन किंग मसाला भी ऐड करेंगे और हरा धनिया मुट्ठी भर इसमें ऐड करेंगे। देखिए कितनी सुंदर सब्ज़ी लग रही है ना, सही में स्वादिष्ट। तो आप घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए, घर पर बनाकर देखिए और आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिए। आलू अच्छे से पककर रेडी है, देखिए एकदम से सॉफ्ट हो गया है। इस तरह से आलू अपना पकना चाहिए और अपनी दम आलू की सब्ज़ी बनकर रेडी है। सो एंजॉय।